नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की ये वीडियो जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ बहुत ही खास चर्चा है दोस्तों, आप लोग भी समझिएगा। आज अपने भारत में ब्राह्मण 4 से 5% है और ये एक ऐसी जाति है दोस्तों कि ये 4-5% होते हुए जितने भी बड़े पोस्ट हैं, वो किसी भी प्रकार का पोस्ट हो, जितने बड़े पोस्ट हैं उसमें 60% ब्राह्मण ही आपको मिलेंगे। तो इसका क्या रीजन है कि इतने कम परसेंटेज के होते हुए जितने बड़े पोस्ट हैं सब पे ब्राह्मणों का कब्जा है, वो मैं आप लोग वीडियो में समझ लीजिएगा ताकि जितनी दुविधाएं हैं दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ब्राह्मण एक ऐसी कास्ट है कि ये शिक्षा का साथ कभी नहीं छोड़ी, ब्राह्मण शिक्षा का साथ कभी नहीं छोड़ा। कितना भी गरीब घर का ब्राह्मण हो उसके घर के बच्चे पढ़ने जरूर जाते हैं, नहीं प्राइवेट में पढ़े हैं तो सरकारी में पढ़ेंगे, किसी भी प्रकार पढ़ेंगे, वो गरीबी में पढ़ेंगे या तो अमीरी में पढ़ेंगे, पर पढ़ाई का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। ब्राह्मण एक ऐसी कास्ट है दोस्तों कि वो शिक्षा का साथ कभी छोड़ा ही नहीं है, वो पढ़ाई को सर्व से ऊपर माना गया है, माने हैं पढ़ाई जो है उनके लिए सबसे सर्वोपरि है, उसके बाद जो है वो तो है। और वो पढ़ाई के लिए यहाँ तक कि अपनी हर एक गरीबी को झेलते हुए, क्योंकि उनके जो संस्कार है, जो ऊपर वालों के माता पिता का जो संस्कार है वो भी पढ़ाई से ही जुड़ा हुआ है। और दोस्तों ये भी आप गौर करिए कि उनके पढ़ाई में आज तक कोई राजनीतिक पार्टी ये ब्राह्मण जाति को कभी कोई सुविधा किसी प्रकार की मिली भी नहीं है। ब्राह्मण एक ऐसी कास्ट है कि उसको सरकार कभी कोई किसी प्रकार का लाभ दिया ही नहीं है, ये जो कुछ भी किए हैं अपने बल पर कर रहे हैं। आपने कभी देखा आरक्षण हो या किसी भी प्रकार का लाभ हो, ब्राह्मणों को कभी नहीं मिला, जो मिला है अदर कास्ट में मिला है पर ब्राह्मणों को दोस्तों कभी नहीं मिला है। और उसके बावजूद ये शिक्षा का साथ न छोड़ते हुए, शिक्षा को सर्वोपरि मानते हुए जितने भी भारत में बड़ी पोस्टें हैं टोटल सब वो ब्राह्मण में उसमें 60% में है। वो चाहे आप राजनीति विभाग उठा के देख लीजिए, चाहे किसी भी विभाग को उठा के देख लीजिए, जो जितनी बड़ी पोस्टें हैं ब्राह्मणों का उसमें 60% है और बिना आरक्षण के। वो इसलिए है दोस्तों कि ये पढ़ाई को सर्वोपरि मानते हैं ताकि किसी से किसी भी प्रकार का लाभ लेना चाहते भी नहीं हैं, अपने पर निर्भर हैं। ब्राह्मण एक ऐसी जाति है दोस्तों कि वो अपने पर निर्भर होना चाहता है, अपने पर निर्भर है, कभी किसी से ये नहीं आशा किया कि हमको कौन सी सरकार आई है, क्या चीज़ मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और न कभी मिला है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे भी चल करके न इनको मिलेगा, पर ये फिर भी अपने एक ही उद्देश्य पे कायम है, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, सभ्यता हर एक प्रकार से ब्राह्मणों में पाया गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि अगर आप लोग भी इस वीडियो से फॉलो करें, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें तो शायद हर एक प्रकार के आरक्षण की कोई माने रखता नहीं। अगर पढ़ने वाला लड़का है तो उसके लिए आरक्षण और आरक्षण कुछ भी नहीं माने रखता। दोस्तों जिनकी पढ़ाई कमज़ोर है, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन्हीं को आरक्षण चाहिए। आरक्षण तो एक वो दीमक है जो खा रहा है देश को, दीमक है, घुन जैसे लग जाते, जैसे लकड़ी में दीमक लग जाते हैं, धीरे 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 खाते रहते हैं। फ्री की चीज अगर कोई सरकार आ गई वो फ्री में खिला रही है तो क्या खिलाएगी वो आपको? आपका जितना विकास है सब मारा जाएगा। हम बिजली पानी फ्री कर देंगे, हम 5 किलो राशन दे देंगे, हम 10 किलो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। और उसके लिए अरे 5 किलो राशन पाने से अगर जिंदगी गुजर जाए तो 5 किलो राशन कितने दिन चलता है, उसमें जिंदगी गुजर जाएगी। दोस्तों 5 किलो राशन के चक्कर में मत पड़िए, पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा कि हमें आरक्षण चाहिए। क्योंकि जब हम खुद सामर्थ हैं, ब्राह्मण को कभी आरक्षण नहीं मिला, क्या वो बड़ी पोस्टों पे नहीं है? जिनको आरक्षण मिला है क्या वही बड़ी पोस्ट पे है? नहीं, ब्राह्मण सबसे ज्यादा बड़ी पोस्ट पे है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई को सर्वोपरि माने हैं। और जितने कास्ट है आरक्षण में हमको मिल जाए, कितना आरक्षण मिल जाए कि हमको पढ़ना ना पड़े, ले जा करके नौकरी में खड़ा कर दें,
तो जो ये मन के अंदर उद्देश्य है दोस्तों, ये गलत है। पढ़ाई पे जो लोग ध्यान देंगे उनके लिए आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो कृपया कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।